श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताएंगे जिसका वजन है 90 किलो और इसे आप अपनी उंगलियों से उछाल सकते हैं। मैं आपके आपको इसके रहस्य के बारे में बताऊंगा। मंदिर या दरगाह में आए दिन चमत्कार होना आम बात है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिनमें विश्वास करना आसान नहीं होता है। यहां तक कि आंखों देखने पर भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप 11 लोग मिलकर अपनी तर्जनी उंगली से 90 किलो वजन का पत्थर को अपने सर से ऊपर उठा सकते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा असंभव। लेकिन पुणे स्थित बाबा हजरत कमर अली की दरगाह में यह चमत्कार आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। चमत्कारिक हजरत कमर अली दरवेश बाबा की दरगाह पुणे बेंगलुरु हाईवे पर स्थित शिवपुर गांव में है। यहां पर आज से 700 वर्ष पूर्व सूफी संत हजरत कमर अली को दफनाया गया था। आपको बता दें कि हजरत कमर अली एक सूफी थे जिनका निधन मात्र 18 साल की उम्र में हो गया था। उन्हें उनकी मृत्यु के बाद संत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सब कहते हैं कि जहां उनकी समाधि है वहां आज भी चमत्कारिक शक्तियां हैं। इस दरगाह में सूफी संत की चमत्कारिक शक्तियों में आज भी विद्यमान है। इसका जीता जागता उदाहरण दरगाह परिसर में रखा करीब 90 किलो का पत्थर है। इस पत्थर को यदि 11 लोग सूफी संत का नाम लेते हुए अपनी तर्जनी उंगली से उठाते हैं तो यह पत्थर आसानी से उठ जाता है, लेकिन यदि इस पत्थर को दरगाह से बाहर ले जाकर उठाएं तो टस से मस भी नहीं होता है, फिर चाहे आप कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। यह दरवेश बाबा का चमत्कार है। भक्त लोग इसका कारण दरगाह में आज भी विद्यमान हजरत कमर अली दरवेश बाबा की शक्तियों को मानते हैं। इसके अलावा भी इस पत्थर से एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। जो लोग तर्जनी और उंगली के अलावा कोई दूसरी उंगली का इस्तेमाल करें या लोगों की संख्या 11 से कम या ज्यादा हो तो यह पत्थर हिलता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दरगाह पर साल भर सभी धर्म और समुदाय के लोगों का तांता लगा रहता है। एक खास बात यह है कि अन्य दरगाहों की तरह यहां पर महिलाओं को लेकर कोई बंदिश नहीं है, महिलाएं यहां पर आ जा सकती है। अन्य धार्मिक स्थलों की तरह यहां भी भक्तों की मान्यता है कि यहां मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।